दस रुपया का पेट्रोल दे दो। हाँ पैसा नहीं है तो क्या करूँ। एंड आगे पुलिस वाला खड़ा है। Assalamualaikum and welcome back to my channel. So guys, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड दो हफ्ता पहले वीडियो अपलोड किया था एंड क्या हुआ था, मेरा बाइक पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था बेनेली पे एंड बाइक सर्विस सेंटर पे, तो बाइक तो आज लेके आने वाला हूँ एंड जाहिर भाई लोग भी ट्रिप पे निकल गए हैं एंड मेरा बहुत फीवर चल गया था, तो फीवर हो गया था तो उसके लिए वीडियो नहीं बना पाया। सो आज निकल चुका हूँ मतलब वीडियो बनाने के लिए एंड गाइज कुछ अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ आज, मतलब चलो आप लोगों को मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे सब कुछ बताता हूँ। अभी तो बहुत लेट हो चुका हूँ एंड मेनू का भी खुला है समय से, तो चलो मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे मिलते हैं। सो गाइज मैं निकल चुका हूँ स्कूटी लेके एंड आजेजा के शोरूम सिर्फ 5 किलोमीटर बाकी है, वहाँ जाके बेनेली लूँगा एंड बेनेली लेके एक बहुत क्रेजी सा वीडियो बनाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक पेट्रोल पंप पे जाऊँगा एंड पेट्रोल पंप पे जाके उन लोगों को बोलूँगा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे 10 रुपया का पेट्रोल दे दो, मेरे पास सिर्फ 10 रुपया मतलब 10 रुपया ही पड़ा है तो मुझे 10 रुपया का पेट्रोल दे दो, मैं घर जाने के लिए मतलब 10 रुपया का पेट्रोल काफ़ी है। तो देखने वाला हूँ उन लोगों का रिएक्शन क्या होने वाला है, पेट्रोल देगा कि पेट्रोल नहीं देगा, क्या बोलने वाला है, मतलब कुछ लोग तो मतलब गाली भी देने वाला है। सो गाइज मैं आ चुका हूँ आदेशा के गैरेज के इधर एंड मैं यहाँ से बेनेली लेके निकल जाऊँगा। सो गाइज हेयर इज़ माई बेनेली लुक, बाइक पूरा रेडी है एंड हाँ एटाई बहुत सारा बाइक रखा हुआ है अंदर, मैं टिका देता हूँ उस बाइक। देखो एक इंटूडर है एंड डेटोना Z900 एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बाइक, मतलब नेकेड बाइक की बात करूँ तो इट्स अ ग्रेट बाइक एंड आप लोगों को मीटर भी दिखा देता हूँ। लुक ऑसम यार एंड लुक एट दिस हायाबुसा, लुकिंग ऑसम यार एंड आदित्य के नया शोरूम भी देख लो मतलब गैराज। गाइज हम लोग आए थे स्कूटी लेके एंड जाने के टाइम पे मैं बेनेली लेके जाऊंगा एंड मेरे साथ मेनुद्दा भी है एंड मेनुद्दा स्कूटी लेके चला जाएगा एंड मेनुद्दा बहुत अच्छा शायरी बोलता है, तो एक शायरी सुना दो। मेरा भी शायरी का चैनल है अल्फाज आई क्रिएट यू रिलेट, जस्ट सर्च मेहनू राली ऑन यूट्यूब। शायरी सुनाना पड़ेगा। हाँ, तेरी हर अरमान को ख्वाबों में सजा लूं, तू रूठ जाए और तुझे मना लूं, मेरी हर अरमान तुझ पे कुर्बान हो जाए, खुदा करे तू मुझसे रूट जाए। A few moments later. तो गाइज मैं निकल चुका हूँ आदेशा के गैरेज से एंड अभी वीडियो का मेन पार्ट बाकी है। जैसा कि मैं बोला था कि मैं सुपर बाइक में 10 रुपया का पेट्रोल भराने वाला हूँ एंड उन लोगों का रिएक्शन कैप्चर करूँगा, चलो मिलते हैं आगे। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, मैं वेट कर लेता हूँ मेनुद्दा के लिए।
सो गाइज मैं वेट कर रहा हूँ मेनुद्दा के लिए एंड अभी जाऊँगा मैं जाके बोलूँगा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो 10 रुपया का पेट्रोल दे दो एंड उन लोगों का रिएक्शन दिखाता हूँ उन लोगों को। दस रुपया का पेट्रोल दे दो। दस रुपया का हाँ पैसा नहीं है ना। हाँ हाँ हो जाएगा दो। नहीं होगा देखो ना ट्राई करके। पैसा नहीं है तो क्या करूँ। पैसा नहीं है ना। नहीं होगा। सो गाइज इन लोगों ने पेट्रोल नहीं दिया, बोला कि कम से कम 30 रुपये का पेट्रोल लेना पड़ेगा। सो चलो दूसरा पेट्रोल पंप पे जाते हैं। तो एक पेट्रोल पंप में मिस कर गया। मेहनुद्दा कहाँ गया यार, पीछे है या निकल गया आगे मालूम नहीं है। आगे पुलिस वाला खड़ा है। अरे आ रहा है। मैं निकल गया। शायद पुलिस वाला आगे बोल देगा कि बाइक रोको, एक रेड कलर का सुपर बाइक जा रहा है। अगर बोल देगा तो मतलब मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि मेरे पास अभी लाइसेंस नहीं है। निकल जाता हूँ। चलो आगे नहीं है, कोई नहीं है, चलो निकल जाता हूँ। पेट्रोल पंप पे रुक के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अभी। आगे भी एक पुलिस वाला खड़ा है लेकिन कुछ नहीं बोला। चलो अच्छा हुआ। एंड यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, मैं घुस जाता हूँ क्योंकि इसके बाद पुलिस वाला अरे बोल दिया क्या, ये क्यों आ रहा है इधर। दस रुपया का पेट्रोल दे दो। हाँ दे दो 10 रुपया का। नहीं होगा। चलो 300 का दे दो। अरे चला गया, देखो गुस्सा हो गया, बोला 10 रुपया का नहीं होगा, कितना देना है बोलो। सो गाइस दोनों पेट्रोल वाला पेट्रोल नहीं दिया
बोला कि 10 रुपया का पेट्रोल नहीं होगा, एंड पिछला वाला पेट्रोल पंप वाले ने बोला कि 30 रुपया का लेना पड़ेगा कम से कम। सो यहाँ से मैं पेट्रोल भरवा लेता हूँ, मुझे ऐसे भी पेट्रोल भरवाना है। नहीं होगा, पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं हो तो क्या करूँ, 10 रुपया का दे दो। नहीं होगा, अरे 300 रुपया का दे दो। पैसा नहीं है मेरे पास। जाना कहाँ है? जाना है बावड़िया। वो देखना पड़ेगा होगा कि नहीं। सो गाइज, इन लोगों भी पेट्रोल नहीं दिया 10 रुपया का, और मुझे ऐसे भी पेट्रोल भरवाना था तो पेट्रोल भरवा लिया। चलो गाइज, अभी मैं कॉल किया था मेनुद्दा को, मेनुद्दा ने बोला कि जाहिर भैया घर आ चुका है एंड ही इज़ गोइंग टू मीट जाहिर भैया। सो मैं भी जा रहा हूँ जाहिर भैया के घर के उधर, एक बार मीट कर लेंगे क्योंकि बहुत दिन बाद जाहिर भैया घर पे आया है, मतलब ट्रिप कंप्लीट करके। तो चलो आगे मिलते हैं। A few moments later. Guys, मैं आ चुका हूँ जाहिर भैया का सोसाइटी का अंदर, एंड लुक एट द व्यू, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। एंड जाहिर भैया भी आ चुका है, जस्ट कुछ देर पहले ही आया है, एंड ही टोल्ड ही इज कमिंग, एंड लुक एट माय बाइक यार। एंड जाहिर भैया आ रहे हैं, मुझे साउंड सुनाई दे रहा है बाइक का। बहुत दिन बाद एंड जाहिर भैया आ चुका है। सो गाइज, हम लोग अभी जा रहे हैं महफिल जाहिर भैया का ढाबा पे, वहाँ पे जाके बैठेंगे, बैठ के कुछ बातें साथे करेंगे क्योंकि बहुत दिन बाद जाहिर भैया आए। एंड इस बुलेट वाला भैया चार्ज हो गया। एंड महफिल पे आ गया बहुत दिन बाद। है A few moments later. एंड मेहनुद्दा कहाँ गया? पीछे है, अरे इधर इधर है। सोच रहा हूँ कि थोड़ा खींच दूँ बाइक। अरे क्या था यार, बहुत जोर से खींच दिया भाई। सो गाइस, मैं जैसा कि बोला था कि आई एम प्लानिंग फॉर न्यू बाइक, सिर्फ यही नहीं, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू सेल दिस बाइक। मतलब किसी को अगर कोई इंटरेस्टेड है इस बाइक को, मतलब बेनेली लेने के लिए, तो मुझे कॉन्टेक्ट करो, आई विल सेल द बेनेली। एंड मतलब नया बाइक तो आने वाला है श्योर,
एंड मैं सोच रहा हूँ कि बेच दूँ, बेनली भी बेच दूँ, तो कॉन्टेक्ट करो मुझे। सो गाइज मैं आ चुका हूँ पांचला एंड यहाँ से मेरा घर सिर्फ 3 किलोमीटर ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग यहाँ पर एंड कर देता हूँ। एंड कल तो मतलब बहुत अच्छा सा ब्लॉग आने वाला है, मतलब कल इस ये जो ब्लॉग मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कल आने वाला है एंड मतलब संडे पे, एंड संडे का ब्लॉग मे भी मंडे और ट्यूसडे आएगा। सो स्टे ट्यून, कल बहुत ज़बरदस्त मतलब राइड होने वाला है। तो मैं अभी घर चला जाता हूँ एंड आई एम फीलिंग कोल्ड यार।